चीन और पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान में हो रहे धार्मिक भेदभाव पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान और चीन को उन 8 अन्य देशों में शामिल किया है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन विशेष रूप से चिंता का विषय बना हुआ है। सोमवार को माइक पोम्पियो ने अपने बयान में म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ पाकिस्तान और चीन को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को सहने या बर्दाश्त करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया है। इसके अलावा विदेश विभाग ने कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस को एक विशेष निगरानी सूची में रखा है जहाँ सरकारें धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन को सहती हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता एक अधिकार है और आधार है जिस पर मुक्त समाज निर्मित होकर फलते फूलते हैं। माइक पोम्पियो ने कहा कि जो लोग इन आवश्यक स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहते हैं, उनका बचाव करने के लिए एक बार फिर हम कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के इस कार्रवाई से भारत का वो दावा फिर से सही साबित हुआ है कि पाकिस्तान में हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न किया जाता है। वहीं चीन भी अपने यहाँ उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। साथ ही अमेरिका ने कई आतंकी संगठनों पर भी नकेल कसा है। अमेरिका ने अलशबाब, अलकायदा, बोको हरम, हयात तहरीर, अलशाम, हौतीस, आईएसआईएस, आईएसआईएस ग्रेटर सहारा, आईएसआईएस पश्चिम अफ्रीका, जमात नस्र अल इस्लाम वाल मुस्लिमी और तालिबान को विशेष चिंता के रूप में शामिल किया है। पोम्पियो ने कहा कि सूडान और उज़्बेकिस्तान को बीते साल उनकी संबंधित सरकारों द्वारा की गई महत्वपूर्ण सुधार के आधार पर विशेष निगरानी सूची से हटा दिया गया है और उनके कानूनों को लेकर उनके साहसी सुधार तक वो अन्य राष्ट्रों के लिए मॉडल के रूप में है। ब्यूरो रिपोर्ट।